Welcome back, Pakistan. Break ka pero asa sa gad Salim Jaffer, Pakistan cricket team ja selector gad hoya. Asa garay se ta kafi questions aya. I guess kafi sari shay khabar pai hundi hu. Kafi sari shay clear thi hundi hu. Ai kafi sari shay notice thi hundi hu. Asa ke bhi thi hu. Unan ke bhi thi hundi hu because asa paan mashallah je ka sindhi ayo cricket ja adka wadi shaukeen ayo adka wadi khelda ayo adka wadi ka sanjo interest in me a. तो कोशिश ये होंगी जो हर फील्ड जो मानू ते गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में अचे हैं उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट असांजी ऑडियंस सा गरजे हैं हाने असा सा गरा हैं जीएमपी डॉक्टर डॉक्टर जावेद फारूकी All right, Dr. Javed Farooqi with us in Good Morning Pakistan. Assalamualaikum. Assalam. क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. आज मेहरून आपका शुक्र. Well, मेहरून मेरा ब्लैक आपका माशाल्लाह से. आप चमक रहे हैं. नहीं मैं डॉक्टर साहब के पैरों बुधाएं पर तो पूरी कंपटीशन में हाल ही रहा क्या मुझे ख्याल था. अच्छे कलर जो होते हैं. बता दूं डॉक्टर साहब अपने व्यूअर्स को कि यस डॉक्टर साहब पेरो पटरेशन समझाइंदा आज जका समझो टॉपिक ते आए खास करे ड्राइनेस वगैरह जो पेरो समझाइंदा चंगी तरह उनका पो अस तानी कॉस वरदा से सो पेरो थोड़ो बुद्धि वठो छाता चवन पो उनके उनचे मुताबिक तना जका भी क्वेश्चन हुदन गिव अस अ कॉल आफ्टर दैट पेरो थोड़ो समझी वठो डॉक्टर साहब का त जको चवन छाता दन डाडी इंपॉर्टेंट है डाडी कम जी गारी बुधाइंदन और जके बुधन जरूरी है मुझे कल सा देखो मसला क्या होता है अली कॉमन प्रॉब्लम्स बहुत हैं राइट अच्छा हम कॉमन प्रॉब्लम ही डिस्कस करते रहेंगे जो मकसद है यहाँ पे हम स्किन एंड कॉस्मेटिक की अवेयरनेस देना लोगों को पता चले कि जो एक्सपोजर्स पे प्रॉब्लम हो रही है लोगों के चेहरों में बॉडी पे वो डिस्कस कर ली जाए बता दी जाए लोगों को पता चल जाए आज एक कॉमन प्रॉब्लम तो नहीं है बड़ी अनसर्टेन प्रॉब्लम है और बहुत कम लोगों को होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड होती है जिसको हम सोरियासिस कहते हैं लेकिन सोरियाटिक पेशेंट बेचारा परेशान रहता है क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी होती है और अनसर्टेनिटी इसलिए होती है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं आया अभी तक मतलब एक दफ़ा खुदा ना करे अगर सोरियासिस शुरू हो जाती है उसको हम मैनेज तो कर सकते हैं उसको हम ट्रीट तो कर सकते हैं उसको ख़त्म नहीं कर सकते और अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं अल्लाह के हाथ में हर चीज़ है वो मर्जी का मालिक है मुर्दे में जान डाल देता है और चलते हुए आदमी को चांद खींच भी सकता है उसकी ताकत है लेकिन सोरियासिस अल्लाह ही के हाथ में है ट्रीटमेंट ज़रूर आ गए हैं मैनेजमेंट क्लास के हैं डिस्टर्ब और डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं होती ट्रीटमेंट कराए सोरियासिस एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मल ही हमारी स्किन जो होती है वो 28 डेज में पील ऑफ होती है एक नॉर्मल निज़ाम है फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी की कंडीशन ऐसी है कि हमारी बॉडी ऊपर से पील ऑफ 28 डेज में होता है 28 दिन में हमारी स्किन उतरती है हमें फील नहीं होता विंटर सीजन में हमें फील होता है कि हमारी स्किन फट रही है ड्राई मौसम होता है सोरियासिस में क्या होता है कि यही प्रॉब्लम 3-4 डेज में हो जाती है तो स्किन की लेयर्स जमा होनी शुरू हो जाती हैं ऐसे जैसे वर्के जमा हो जाते हैं जैसे चांदी के वर्के नहीं होते सिल्वर स्केल्स कहलाते हैं वो और इस तरह की एक लेयर्स जमा होनी शुरू और जगह कौन सी होती है मोस्टली आपकी एल्बोस ये जो कोनियाँ होती हैं घुटने जो होते हैं ये वाली जिसको हम नी कहते हैं इसके ऊपर ये खुश्की आने लगती है इसकी कॉमनली साइड्स जो होती हैं वो कोनियाँ घुटने बैक स्कैल्प सर के ऊपर खुश्की आती है और कभी कभी ऑल ओवर द बॉडी भी हमें पैचेस है ना सिल्वरी स्केल्स जिसके अंदर कहते हैं चांदी के वर्कों की तरह टुकड़ों में ये चीज़ें आने लगती हैं अनसर्टेनिटी बहुत है इसमें एक दफ़ा सोरियासिस शुरू हो जाती है पेशेंट डिप्रेस होता है और यंग एज में भी ये शुरू होती है जिसको हम गुटेट सोरियासिस कहते हैं डिप्रेशन लेने से ये बढ़ जाती है नुकसान हो जाता है इसके ट्रीटमेंट्स हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आप ले लेंगे और इंटीरियर सिंध में मैंने जो देखा है स्पेशली बदीन साइड पे बदीन दादू लाड़काना साइड पे ये सोरियासिस बहुत कॉमन है बहुत सारी डिजीज़ होती हैं वो एरिया से रिलेटेड होती हैं जैसे दादू से या क्वेटा से या थरपारकर से लोग आते हैं उधर एक इंसेक्ट होता है जिसको कहते हैं फिलिबिटोबस पेपिटोसी एक कीड़ा होता है एक बार दोबारा नाम बताएंगे फिलिब